हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो देश में एक आक्रोश पैदा होता है वही आक्रोश पूर्णिया में देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, और इन लोगों का एक कुछ डिमांड है। मैम बताइए क्या डिमांड है आप लोगों का? आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत क्यों, स्पॉट डेथ क्यों नहीं? जैसे ही सजा उस पर ये हो जाता है जुर्म, जब आरोपी तय हो गया है तो उसी समय उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। निर्भया कांड के बाद हमें लगा था कि महिलाएं कुछ सुरक्षित होगी, सरकार इतना ध्यान दी, इतने नए नए कानून बने, इतने कठोर कानून बने, लेकिन कुछ नहीं, वही ढाक के तीन पात। और इतने सालों बाद फिर हमें हमारी औकात याद दिला दी गई कि भारत में हम महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमें न्याय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। आज प्रियंका के साथ हुआ है, कल हम लोग में से किसी के साथ भी हो सकता है। कब तक हम लोग ये घुट घुट कर जीते रहें? और एक तरफ सरकार ये नारा देती है और हम इस बात को कबूल करते हैं कि नर और नारी एक समान, फिर यहाँ आकर के मानसिकता और सोच इतनी विकृत और इतनी घिनौनी क्यों? वो क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप में? इस तरह की घटना जब भी होती है तो पूरा देश काफ़ी उबल जाता है, लेकिन लग रहा है कि इसके बावजूद जो अपराधी होते हैं उसमें किसी तरह का भय होता है, या फिर कानून अभी तक ऐसा कुछ कर पाया है कि लोग को तुरंत फैसला मिल जाए? नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और हम लोग कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन हमारा जो आज ये समूह जमा हुआ है और ये पूरे शहर में, पूरे गाँव में, पूरे देश में हो रहा है, कम से कम सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए, अब ये नहीं चलेगा। अच्छा मैम, कुछ देशों में इस तरह का कानून है कि अगर अपराध साबित हो जाता है तो 4 दिनों के अंदर में इस तरह के मामले में जजमेंट आ जाता है, कई जगह तो गोलियां मार दी जाती हैं, कहीं सर कलम कर दिया जाता है, तो क्या आप लोग चाहती हैं कि उस तरह का कुछ सख्त कानून इस हमारे देश में? एकदम चाहते हैं, उन पर भी पेट्रोल और किरासन तेल छींट करके उसी समय माचिस की तीली डाल देनी चाहिए, जिस तरह से लड़की के साथ उन्होंने किया है। आरोपी को भी जलाना चाहिए। आप लोग भी चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देश की आधी आबादी कहने जाने वाले, और हमारी सुरक्षा कहाँ है? आज जो नए दिन रोज, आज कल देखिए ये हैदराबाद का कांड होने के बाद भी 2 कांड लगातार हो रही है, तो आखिर क्यों नहीं ये चीज रुक रहा है? अच्छा, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो उस समय पूरा देश का माहौल ऐसा बन गया था कि लग रहा था कि नहीं कानून में कुछ परिवर्तन हुआ है, अब ऐसी घटना नहीं होगी, तो लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं पर किसी तरह का विराम लगा है? इसी वजह से तो आज हम लोग सबको ये कर रहे हैं ना, मार्च निकाल रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं विराम लग रहा है, आखिर क्या कारण है कि अन्य देशों में इसके खिलाफ जो भी होता है सख्त कानून बनता है तो उसके उस पर सबका सजा हो जाता है, लेकिन अभी सजा नहीं होता, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में रखा गया है, क्यों उसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत? क्या वो लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया? तो इन चारों को जिंदा जला के नहीं मार देना चाहिए? अगर कानून व्यवस्था कहीं से भी डगमगा रही है तो हम महिलाओं को सौंप दे, हम महिलाएं खुद अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है, चंडी काली बन के या फिर दूसरा फूलन देवी बनने के लिए तैयार है। अभी मोदी जी है, लोग कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या आप लोग उम्मीद करती है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार आज इतने सख्त कानून बना चुकी है, इतने सख्त कानून बना चुकी है कि देखिए कि ये निर्भया हत्याकांड के बाद में ये जो दोबारा हुआ है ये हम लोगों के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। अगर सरकार सख्त कानून बना दी है तो ये 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तत्काल तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं, इसी चीज का हम लोग मांग कर रहे हैं, आज आक्रोश रैली जो निकाल रहे हैं हम लोग कि 14 दिन का न्यायिक हिरासत में न रख के उसे तुरंत फांसी की सजा हो, स्पॉट ऑन डेथ। स्पॉट ऑन डेथ चार आप लोग की, तत्काल इसकी फैसला कर दी जाए, और इस तरह का जो भी केस होता है वैसे मामले में सख्त कार्रवाई होने से लोगों में एक भय का माहौल बनेगा, कानून क्या? मैम आपका क्या विचार है इसमें? इसमें देखिए, जब तक कि भय का वातावरण उनके महसूस नहीं करेंगे, और आदमी को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि अगर हम ऐसा दुष्कर्म करते हैं तो हमें तुरंत हमारी भी मौत निश्चित है, तब तक आदमी करते चला जाएगा। आज बार बार क्यों हो रहा है इस तरह की घटनाएं? हमारी सरकार इतनी चिंतित है, ऐसी बात नहीं कि चिंतित नहीं, हमारी सरकार चिंतित है, लेकिन फिर भी इस तरह का वातावरण बन रहा है हमारे समाज में, ऐसे काम किए जा रहे हैं दुष्कर्म, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें इस तरह का भय का वातावरण उत्पन्न हो, ऐसा कानून सख्त बने कि जिस तरह के भय से आदमी करने से तो दूर सोचने। अच्छा मैम, एक जानकारी आपसे चाह रहे हैं हम लोग कि जो भी इस तरह का अपराधी है उसके घर में भी महिलाएं होंगी निश्चित रूप में, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो समाज में इस तरह की विकृति क्यों आ गई है कि लोग अब महिलाओं को उस तरह का दर्जा नहीं दे पा रहा है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में भी महिलाएं हैं? ये देखिए, एक तरह की मानसिकता हो गई है कुछ लोगों की, सबों की नहीं है, कुछ लोगों की मानसिकता के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है, और हम लोग लज्जित हो रहे हैं क्योंकि वह भी हमारा भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है,
पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे घर में सामाजिक वातावरण में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए कि जिस तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करके और सरेआम कोई भी उनका सपोर्ट ना करे, चाहे वह माँ हो। आज जो अपराधी दोषी था उसकी माँ भी यही बोली है कि हमारे बेटे को भी फांसी दे दो, उसी तरह जला दो। कहीं ना कहीं महिलाओं में ये तो आया मानसिकता कि नहीं कोई भी हो हमारा, लेकिन अगर वह इस तरह का कुकर्म कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और इसी तरह की हमारी जब हम लोग आगे आएंगे और अपने उनके पक्ष में नहीं बातों को रखेंगे तो मनोबल टूटेगा। अच्छा, इस तरह की जो खबर जब आती है तो आप लोग को लगता है कि जैसे हैदराबाद में हुआ तो पूर्णिया में आप रह रही हैं तो एक डर का माहौल यहाँ भी आप लोग को? बिल्कुल, देखिए इस तरह का जो भी घटना होता है वह देश की किसी भी कोने में हो लेकिन पूरे इंसान को, पूरे समाज को मर्माहत करता है और खास करके हम महिलाओं को शर्मिंदगी भी देती है और बहुत ही भय का वातावरण कि हमारी भी कल बेटी है, हम भी रोड पर निकलते हैं। बहुत सारे के आज जो आधी आबादी रोड पर 50% निकली है तो कहीं ना कहीं तो घर में तो बैठी नहीं रहेंगी, वो तो उनको तो निकलना ही। महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है। अब हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, अब हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें सुरक्षा दो। सुरक्षा चाहिए आप लोगों को। अच्छा, आइए बताइए मैम, आज आप लोगों का प्लान क्या है, क्या क्या करने के लिए निकली? आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले, हम महिलाओं की तरह हम लोग प्रतिरोध जता रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही है ये कम होना चाहिए और ऐसे दोषियों को त्वरित कार्रवाई कर सजा तुरंत मिलनी चाहिए जिससे कि उनका मनोबल घटे, मनोबल बढ़े नहीं, क्योंकि लंबा प्रक्रिया में जाने से मनोबल बढ़ता है और लोगों को लगता है इसी तरह से घिसते चला जाता है और हम फिर वो दूसरी बार भी घटने को अंजाम। बालिक हैं तो उसको छोड़ दें, लोग झूठी सर्टिफिकेट बनवा करके भी अपने को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। अपराधी अगर रेप करता है, रेपिस्ट है वो, तो वो उसको नाबालिग समझा ही नहीं जाए, आपका ये कहना है कि उसको किसी भी हालत में नहीं नाबालिग नहीं समझा जाए। कल की घटना है, आप कल की घटना, मैं तारापीठ से आ रही थी, नलहटी के पास में 9 साल की लड़की को रेप करके गला रेत दिया गया, वहाँ पे पूरी पुलिस वगैरह आई थी। जब कांड हो जाता है उसके बाद पुलिस फोर्स आती है या कोई मदद के लिए आता है, इसके पहले क्यों नहीं आती पुलिस, ये समझ में ना आता। कोई भी घटना होती है वो बाद में आती है, सब कांड हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, एक बात अभी चर्चा हो रही थी कि अगर जो प्रियंका है वो अपनी बहन को फोन न करके 100 नंबर पर डायल करती तो पुलिस आ जाती, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस पर इतना भरोसा है कि तुरंत डायल करिए और पुलिस पहुंच जाएगी? नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं फोन उठाता है, कुछ नहीं होगा, कोई लगता भी है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगता भी है, होगा भी नहीं। हम लोग भी इतना आक्रोश है, हमारे सुपुर्द कर दीजिए उनको, जैसे उन्होंने उसके साथ किया वैसे हम भी उसके साथ करेंगे। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा युवतियों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि युवतियाँ ज़्यादातर काम से बाहर निकलती हैं, तो बाबा बताओ इस तरह की जो घटनाएं होती है तो इस बारे में तुम लोग का दिमाग में क्या, किस तरह का बातें आती है? इससे हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं बाहर निकलने में, हमें भी भय लगता है कि शाम होगी या फिर घर जल्दी जाना है, और बाहर भी लड़कियां जाती है पढ़ने के लिए तो वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, भले एजुकेशन बहुत चल रहा है लेकिन इस तरह का मेंटालिटी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो काफ़ी डर तुम लोग को भी लगता है, कुछ और युवतियाँ हैं बताओ बाबू, क्या इस तरह की जब जानकारी तुम लोग के पास आती है कि इस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसके बाद क्या तुम लोग के दिमाग में आता है, क्योंकि तुम लोग ज़्यादातर बाहर निकलती है काम से पढ़ाई करने के लिए, तो किस तरह का दिमाग में? ये सबसे हमें भी बहुत डर लगता है, हमें लगता है ये उनके साथ हुआ, उनको सज़ा मिल नहीं पाता, हर बार वो रिहा हो जाते, उनको कहते हैं नाबालिग हैं तो इसके कारण उनको जल्दी रिहा कर दिया जाता है, लेकिन नाबालिग और बालिग से कुछ नहीं होता, अगर वो गुनाह किए तो उनको सजा मिलना चाहिए और जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, हम लोग यही है। इससे हमारे अंदर भी ये रहेगा कि हम लोग बाहर निकले तो अपने आप को सेफ महसूस करें, कि हम लोग से कोई कुछ करने से पहले डर जाए कि उसको कुछ गलत होगा फिर आगे चल के। कानून का डर होना चाहिए जरूर, कानून का डर होना चाहिए। इस तरह की जो डिमांड है, इन लोग खासतौर से महिलाओं का कहना है कि कानून का डर रेपिस्टों में, अपराधियों में होनी चाहिए। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो इस तरह का जो फैसला आता है वो तत्काल आए, भेज एक सप्ताह के अंदर आ जाए, क्योंकि कई देशों में इस तरह का कानून है कि अगर इस तरह का जुर्म होता है तो उसमें कहीं कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं गोली मार दी जाती है, तो
तत्काल फैसला कुछ किया जाता है, तो जिस तरह का आक्रोश महिलाओं में देखा जा रहा है, तो उसको देखते हुए इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि तत्काल इसमें जजमेंट आना चाहिए, जो भी अपराधी हैं उनको सख्त सख्त सजा मिले। और प्रियंका के साथ जो मामला हुआ है उसको लेकर के पूरे देश में उबाल है, और पूर्णिया में महिलाएं यहां देख रहे हैं कि प्रदर्शन करने पर उतारू है, प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें कई संगठन की महिलाएं हैं, सारी महिलाएं एक साथ एक मंच पर आकर के आज प्रदर्शन कर रही हैं। और ये शहर में भ्रमण करने के बाद पूर्णिया DM के माध्यम से केंद्र सरकार को और जो भी संबंधित विभाग है उन लोगों को ये लोग अपने मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए जा रही हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।